हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। और आज वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है अर्ली मॉर्निंग से। पता ही बनना कोई तो फ्रेंड्स, अभिराज भी उठ गया है। अभिराज से गुड मॉर्निंग। अभी बिल्कुल वही बोला है परी दी, मतलब सर्दियों में से उठने के बाद फिर कम्बल से उठने का मन नहीं करता ना परिधि। परिधि बैठ के पढ़ रही है और अब दोनों एक ये बदतमीज चलती है सुबह सुबह। गाड़ी आएगी इनकी, एक सेकंड बैक कैमरा से करती हूँ। गाड़ी आएगी इनकी 8:15 बजे और अभी टाइम हो रहा है 7:10। हाँ, और मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। और अभिराज और परी दोनों बढ़ गए हैं कंबल में। ये काम होता है सुबह घर का, देखो क्या हाल क्या हुआ है इन्होंने। पढ़ लिख के फिर यहाँ बढ़ गए कंबल में ये। और आपको एक बार बाहर का दिखाती हूँ, बाहर कैसा मौसम हो रहा है। देखो बाहर कितना कोहरा हो रहा है, कितनी ठंड हो रही है बाहर। आज तो फिर भी कम है, वरना बहुत ज्यादा कोहरा होता है सुबह के टाइम। और ये हमारी गाय भैंस जो अपना घास खा रही है। देखो कितना कोहरा है। इधर भी अपना घास खा रही है ये, और इधर भी। और ट्रैक्टर को ढका हुआ है, ठंड लग जाएगी नहीं तो उसको। और खेत वाले खेत में जा चुके हैं गोबर भरकर। देखो इतनी सुबह सुबह खेत में चले जाते हैं यहाँ यूपी में लोग। देखो कितना ज्यादा खतरनाक मौसम हो रहा है। बेटा आ रही हूँ, एक बार सुनी आती हूँ कि कह रहा है। हाँ बेटा, क्या दू? कंप्यूटर की बुक के नीचे क्या है? ड्रॉइंग आपकी? तो ये बैठ कर हाँ, अभी बैठे करेंगे दोनों ड्राइंग अपनी। अभ्यास कैप खोल लो बेटा पहले। ये भर लो, ये नहीं इससे आगे वाला, देखो आगे खोलो, इससे भी आगे खोलो, ये भर लो, ये इसमें कलर फिल कर लो। पहले से ब्लैक स्केच फेल लेना। हाँ पहले ब्लैक स्केच फेल लेना उसमें। और ड्रेस मैंने की प्रेस करके रख दी थी यहाँ पर, और चलती हूँ अब किचन में। किचन में मक्खन मेरा निकल गया है और चाय मेरी बन रही है, दूध की पत्ती लगती है और आटा भी मैंने लगा के रख दिया है। और ये दूध है जो भी गर्म करूँगी, और एक केतली गर्म पानी कर दिया था अभिराज के लिए, क्योंकि सुबह सुबह गर्म पानी ही पीते हैं दोनों। चलो तो मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ फिर आपसे। तो लेके जाना था आज पालक पनीर। इस पनीर कलर कैसे आता है? फिल्टर लगाने का ये भी नुकसान है यार सब्जी में है? तो चाय मेरी खदक गई है, चाय बनने वाली, गैस बंदी कर देती हूँ। और पनीर को ले जाना था पालक पनीर, तो इसलिए इसके लिए बनाया है पालक पनीर विद मक्खन, क्योंकि इनकी जो मैम बोलती है स्कूल से वो ही जाता है स्कूल में। और इसमें रखा हुआ है हमारा मट्ठा जिसमें से मक्खन निकला है। और ये मैंने ला कर रख दिया है इनके लंच बॉक्स, जो कि मुझे अभी पूछने हैं। लंच इसके पापा जी का भी जाएगा और अभिराज का भी जाएगा। हाँ बेटा, ये अच्छा बन रहा है। हाँ ऐसे दो। हाँ ठीक है, आप एक बार दोस्त बना के दिखाता। कैसे बनाना है? तो अब मैं बना देती हूँ अभिराज का। थोड़ी की लाइट से तो अच्छा वो नहीं आता है, थोड़ा सा फॉल्ट रह जाता है। आप सारा बनाना है क्या? इसे कंप्लीट करना है? यस, 1 पे कर दिए। तो मैंने एक कर दिया है अभिराज का। और अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम, देखो कैसा हो रहा है। देखो बिल्कुल बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। चलो अब वापस अपनी किचन में। आज हमारे बोएंगे गेहूं, तो ये उसका खाद है, खाद है, खाद खाद। चलो लंच पूछ देती हूँ इनकी फटाफट। और मैं इनकी वाटर बोतल जो है ना वो भर के रख देती हूँ गर्म पानी से,
जो कि बहुत गर्म हो रहा है, क्योंकि मैं गर्म पानी से सुबह फेंक रख देती हूँ। बेटा मैंने तो गर्म कर दिया, मिल्टन की बोतल है, इसमें ठंडा नहीं होता। फिर तो चलती हूँ अभी राज का ब्रेकफास्ट कर लेकर, उस बस सुबह मक्खन नहीं खाता और चाय, दूध में पत्ती लगाई चाय तो है, और पराठा। और देखो किस तरह से लड़ाई बचती, बिल्कुल जैसे कैमरा शुरू हुआ बिल्कुल दोनों शांत, जैसे लड़ाई ना हो रही है बिल्कुल भी दोनों की। चलो आज तुम लड़ाई करो, आज मैं मैडम को सेंड करूंगी वीडियो में, यूट्यूब पे नहीं डालने की, तुम्हारी मैडम को सेंड करूंगी। करो तुम लड़ाई दोनों सुबह 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 सुबह, कितनी लड़ाई होती है इनकी, क्या लेना बता, मैं लाके दूंगी, मैं लाके दे दी। लो आप ब्रेकफास्ट करो, अपना हैंड वॉश कर, खाओ अपना हैंड वॉश कर आए थे। चलो ब्रेकफास्ट करो, वर्दी आप करोगे, इतने कलर हैं इनके पास, इतने कलर्स हैं इनके पास, फिर भी इनके कलर्स की कौन सा वाला ब्यूटी पता है, बताओ जिसमें कलर है। ये ठंडा जाएगा, ठंड हो रही है बहुत, दिन ठंडा हो जाता है पराठा। तो आप भी खा लो, तो अब एक पराठा परिधि का ही बना देती हूँ, क्योंकि परिधि को भी करना है ब्रेकफास्ट। एक मिनट में आ रही, परी खाएगी मक्खन के साथ, और अभियान ने खाया था ऐसे ही। उनकी गाड़ी लेट आएगी तो इससे पहले खेत का जो नाश्ता है वो बनाऊंगी खेत वालों को, उसके बाद इनका बनाऊंगी लंच। ब्रेकफास्ट मैंने इनका बना दिया, शोर मचा रहे हैं दोनों दोनों। आ रही मैं फिलहाल, परिधि रुक जाओ आज, दोनों सुबह सुबह लड़ाई शुरू जावे, शुरू होती है दोनों क्या शाम तक की लड़ाई। बंद कर दे, आज अभिराज बना रहा है मेरी वीडियो, और मैं बना रही हूँ अभिराज के, अभिराज क्या बना रही हूँ मैं, पराठे। पराठे किस चीज से, मक्खन से। हाँ जी, अभिराज को अच्छा लगता है कैसे पराठे, मक्खन के पराठे। मक्खन से आगे जाती है, ऐसा आगे जाता है, ठीक है। जल गया मक्खन। तो फ्रेंड आप भी खा लो पराठे, क्योंकि अभी रात खाता है मक्खन के पराठे, और परिधि भी। ये कितना काम होता है सुबह सुबह एक हाउस वाइफ को। तवे पे आग लगी ये मक्खन से लग रही है। मक्खन से जब एस्ट्रा जाता है ना, तभी तो उससे ना तवे पे आग लग जाती है, कहना अभिराज को मम्मी आग लगा दी सुबह सुबह। हाँ, अब तो एक काम आसान हो गया आज, के भैया अपना तैयार जाता है अभी सीधा। अरे स्कूल लेज बंद वाली ना बेटा, पर यार ने इस बेटा को वाली किताब की पन्नी आपने वही नहीं। सो फ्रेंड्स अब राज ज्यादा सब व्यस्त है, वहां गया नहीं, फिर तो अच्छा है, मैं तो जब भी तैयार करूंगी ना, जब भी तो लड़ाई हो कैमरा स्टार्ट कर दिया बस।
सो फ्रेंड्स देखिए अब राज ने अपने बाल बाया है इतने अच्छे। कोई बात नहीं छोटा है साफ सुथरा सही भाली है। जो बाई चांस मम्मी इधर उधर हो तो आज मेरे बेटे ने एक काम कर दिया बढ़िया। मैं इसको चिप कर ली कैसे लग सकती है ये वो कहां है सब कुछ सारी सर्दी में देखिए ऊपर ओए कहां कोई नहीं है आपके लंबे बाल है छोटे बाल है दूसरी सारा कैमरा हिलता रहेगा इतनी रबड़ होती है इनके पास और फिर भी टाइम पर एक नहीं मिलने की तो मिल तो गई थे तो दीवन ना कोई ठिकाना नहीं रखने का सारा खाया पिया इसके बालों में लगता है बस। बेटा ऊपर रखा टंकी के टंकी ऊपर सो फ्रेंड्स मेरे बाल बह रहे हैं मैडम ने कहा जो हम कल को टप्पा ना उड़काया उसका भूत पक्का उतर सही है अच्छी बात है उतरना भी चाहिए गाड़ी पर सब तो गाड़ी में ठहर सकते कैसे नहीं खत्म नहीं होता इनका घर भी लगा गाड़ी में बहुत बच्चे हो जाते ऊपर ग्रीन नीचे येलो रोज नीली रबड़ चाहिए वो तो मैं लगती नहीं मैं लाती नहीं सी कभी रबड़ लाती नहीं कभी भी बहुत कम लाती हूँ मेरी सारी रबड़ मेरी नानी लाती है ही रे मैं लाती नहीं कभी इसकी नानी ने मौसी दे जाती है मैं कभी नहीं लाती इसकी रबड़ क्योंकि मुझे लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती ले ये तू क्या हो गया तू उतारो इसे तुम तो ले रुको उतारो अरे सुन तू देख अब तो पता निश्चित तौर से बांध दूंगी ना तू सगुन की हल्का है परिधि की जो रबड़ है उसका जो गुड्डा है वो टूट गया परिधि तो वैसे इसे कहना है इसका कहना है कि गुड्डा होना चाहिए मेरे वर्ड में कुछ होना हो तो मैं इसको ऐसे फिट कर दूंगी नहीं निकलने का बिल्कुल नहीं निकल सकता पर लग गया देखो फ्रेंड लग गया फिर दिया गुड्डा क्या लगते लंच बोतल तो मैं कभी लाती इसकी रबर बहुत कम लाती हूँ बहुत कम कभी कभार खिला दी तो वो भी येलो स्कूल की ला देती हूँ कभी कभार येलो क्योंकि स्कूल भी येलो चलती है नहीं तो उसकी सारी रबड़ इसकी मौसी मौसी भी येलो ही दे रहे मौसी दे देती है इसकी और नानी ले आती है क्योंकि मम्मी को दवाई देने के लिए आना होता है हर मंथ यहाँ पर तो वो ले आती है हाँ तो इसके मजे आ जाते हैं इतनी रबड़ है इसके पास इसकी कोई गिनती नहीं सब बच्चों के पास इतनी होती है छोटे बच्चों के पास लेकिन स्कूल चलती है वो चलती है इसकी येलो किसी किसी की व्हाइट चला किसी की ब्लू चला हाँ तो स्कूल की ड्रेस के साथ ना इनकी ड्रेस स्कूल की येलो है ना शर्ट तो उस हिसाब से इनकी येलो चलती है गाड़ी भी तो येलो ही हो ये बदगी परे की फिटिया इसके बाल में कितने कटवा लूँ कितने बाल कटवा देती हूँ मैं इसकी कितने बाल बढ़ जाते हैं इसका सारा खाया पिया ना इसकी हाइट पर तो लगता नहीं और सारा खाया पिया मेरे से तो हो गया अरे मैं उठा लू रखा तो फ्रेंड्स ये हो गया है सबका लंच पैक बच्चों का भी पापा का भी एंड बोतल भी और देखिए आज ठंड बहुत ज्यादा हो रही है बालों का देखो क्या हो गया सुबह सुबह इसकी रबड़ है जो बिल्कुल पिंक से ब्लैक हो गई है तो इसको मुझे आज वॉश करना है तो इसलिए मैं इसको यहाँ रख देती हूँ क्योंकि अगर अंदर रखी गई ना तो फिर इसको भूल जाऊँगी इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिए इससे मेरे याद रहे। अभी है मुझे चाय रखनी खेत में तो चाय हो रख देती हूँ वैसे ठंडी जाती है पर वहाँ पर गर्म कर लेते हैं हाँ क्या फोन को देखो।
बाद देखूंगी। और एक सेकंड, कुछ बहुत सारे लोग कहते ना कि तारा ओवर एक्टिंग करती है, दीदी आपसे कुछ नहीं कह रहे थे, देखो उसकी ओवर एक्टिंग उसके काम आएगी, ठीक है, और आ रही है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं आ रही, तो उसकी ओवर एक्टिंग उसके काम आ रही है, और तभी तो सारे निगेटिव कमेंट आते हैं, ठीक है। और बार बार एक इंसान को टोकना भी ठीक नहीं होता, इतनी बार बोल दिया, जब उसको सुधार करना होता तो सुधार कर लेती है अपने अंदर, जब नहीं कर रही है तो इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने उसको उसको वो करना बंद कर दे ट्रोल, जहाँ पर वो गलत होगी सबसे पहले आपको उसको ट्रोल करती हुई मैं ही दिखूंगी, ठीक है। अभी वो कुछ गलत नहीं करती है तो बिना बात के किसी को ट्रोल नहीं किया जाता, पर जहाँ पर गलत होगी तो सबसे पहले ट्रोल उसको मैं ही करूँगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, जहाँ पर वो गलत होगी उसको मैं ही वहाँ पर बोलूँगी। और इनकी गाड़ी आ गई है स्कूल की, और बहुत से लोग पूछते हैं कि घास घास वाली तो बता दो, घास जो है ना हम यहाँ पर गन्ने की खेती होती है हमारे यहाँ पर, तो इसलिए गाय भैंसों की घास का कोई तोड़ा नहीं होता, ये गन्ने में से निकलते हैं, तो हमारे यहाँ पर गन्ने की खेती होती है, तो इसलिए इनका घास एडवांस में रखा रहता है, क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती होती है, ठीक है। तो गाय भैंसों की घास में कुछ वो नहीं होता। और यहाँ पर गाड़ी आ गई है अभी राजा परिधि की, ग्लव्स आपके बैग होंगे ना, मैंने कैब के अंदर रखे थे, एक सेकंड मैं उनको बिठा देती हूँ फिर बात करती हूँ। तो फ्रेंड चले करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आप लोग अच्छे से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं और अब एक बार टाइम काम खत्म हुआ है, दोबारा काम फिर से स्टार्ट हो गया है। ओहो इतनी ठंड हो रही है ना, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, भैंस खड़ी है बिल्कुल चुपचाप।